अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ इकरा जैन और आप देख रहे हैं आईजेड खान। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाई हूं, जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। और ये है एनिमेट एलोवेरा एंड विटामिन ई फेशियल ऑयल, इसके अबाउट है और इसके अबाउट जो जो आपके कंफ्यूजन है इंशाल्लाह वो मैं सब दूर करूँगी। तो बगैर टाइम वेस्ट के हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, विटामिन ई हमारे फेस के लिए, हम लोग के बालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग के रिंकल्स को ख़त्म करता है, डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है, और उसके अलावा दाग धब्बों इनको ख़त्म करता है। और इनके अलावा हम लोग के जो के है ब्राइटनिंग वाइटनिंग इनके लिए काम आता है। और उसके बाद मॉइस्चराइज़र के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक महीने के बाद, एक महीने इसको लाजिम यूज़ करिएगा। किसी भी अच्छी चीज़ का रिज़ल्ट आपको हमेशा कुछ टाइम के बाद मिलता है, तो थोड़ा सब्र कर लिया करें। और उसके अलावा ये हम मैं अब आपको इसके यूज़ बताती हूँ। इसके यूज़ ये हैं कि आपने इसको, अगर आपके आपके रिंकल्स हैं, अगर आपकी ब्राइटनिंग के लिए आपने इसको यूज़ करना है, वाइटनिंग के लिए यूज़ करना है, तो आप इसको, अगर आपके फेस पे दाग धब्बे भी हैं तो ये उनको भी दूर करेगा। और आपने इसको रात को डायरेक्ट अप्लाई करना है फेस पे, तो वो भी कर सकते हैं, क्रीम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट डायरेक्ट ही आता है। तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करें फेस के ऊपर, सारी रात छोड़ दें, सुबह ठंडे पानी से अपना फेस वॉश कर लें, इंशाल्लाह एक महीने के बाद बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सबसे बड़ी बात, अगर आपको डार्क सर्कल्स का इशू है तो उसके लिए भी मैं आपको इसका यूज़ बता देती हूँ। आप इसको वैसलीन में ऐड करके, एक कैप्सूल एक चम्मच वैसलीन में ऐड करके रख दें, इसको डेली बेसिस पे आंखों के नीचे लगा के सो जाएं, सुबह उठ के फेस वॉश कर लें, इंशाल्लाह एक महीने के बाद आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आप उसको हेयर ऑयल पर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपके बालों के लिए बहुत शानदार है। आप इसको अपने नेल्स पर भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और आप देख सकते हैं ये कैप्सूल्स की शक्ल में मौजूद है। इन सब चीज़ों के अलावा, अगर आप पार्लर जैसा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप अपने फेशियल में, अगर आप पार्लर जैसा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आप इसको अपने फेशियल में क्लिनजिंग के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्किन पॉलिश कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आप इसको डाल दें एक दो कैप्सूल। उसके बाद अगर आप ब्लीच कर रहे हैं हाथ पाँव पर, आप उसके अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो होगा, और जिसके एज से पहले रिंकल्स आ रहे हैं तो इंशाल्लाह वो भी इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, बट आपने इसके रिज़ल्ट के लिए कम अज़ कम एक महीना लाजिम इंतज़ार करना है, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और इसके अलावा, जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों में हम लोग की स्किन बहुत ही ज़्यादा रफ डल हो जाती है, तो उसके लिए आप इसको डेली बेसिस पे लाजिम यूज़ करें। आप अगर हैंड्स के लिए कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं, कोई लोशन यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये। ना सिर्फ आपकी स्किन को क्लीन करेगा, उसके अलावा आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, वाइट करेगा, रिंकल्स को ख़त्म करेगा। कहीं पे अगर डार्क स्पॉट्स हैं, जैसे क्रीम्स वगैरह फार्मूला क्रीम्स के बाद आपका चेहरा ख़राब हो जाता है, तो आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करें, इंशाल्लाह बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। हाँ, और इसके अलावा अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप किसी भी ऑयल में इसको यूज़ कर सकते हैं, आप शैम्पू में भी इसको ऐड करके यूज़ कर सकते हैं, किसी भी होम रेमेडी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फेस के लिए भी किसी भी होम रेमेडी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही इनके इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स होंगे, बल्कि बहुत जल्द मैं आपसे होम रेमेडीज़ भी ऐसी शेयर करूँगी जिसमें विटामिन ई ऑयल यूज़ होता हो। तो दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।